ये मिलेट्स का अपना दूसरा वीडियो है, स्टेम बोरर और मेज स्टेम बोरर, और इसको सोरगम में लगता है तो सोरगम स्टेम बोरर भी बोलते हैं, कॉमनली इसको स्टेम बोरर बोलते हैं, जनरली सभी मिलेट्स में लगता है, इवन ए बाजरे के अंदर भी ये लगता है। इसका साइंटिफिक नेम है काइलो पार्टिलश, और इसकी फैमिली है पायरेलिडी, और ऑर्डर है लेपिडॉप टेरा। अपन इसकी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। इट इज़ ए मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ मेज इन श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट इज़ फाउंड थ्रू आउट इन इंडिया। ये मेज के अलावा, अभी मैंने आपको बात की शोरगम और भी जो मिलेट्स हैं उनके अंदर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अब अपन है इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसके एडल्ट्स को और इसके मोल्स को। तो ये इसमें लार्वा है, बहुत ही क्लियर कट दिया हुआ है लार्वा, ये अपन लार्वा देख सकते हैं लार्वा, और जो एडल्ट है वो येलोइश कलर का होता है। द मोथ एडल्ट इज मीडियम साइज इंसेक्ट विथ 3 सेंटीमीटर विंग स्पान, द फोर विंग इज स्ट्राई इन कलर एंड देयर आर न्यूमरस ब्राउन स्पॉट्स ऑन द मार्जिन एंड हाइंड विंग्स आर वाइट एंड पेपरी। द कैटरपिलर्स इज अबाउट डर्टी ग्रेश एंड 20 to 25 mm लॉन्ग विथ ब्लैक हेड। ये अपने को इसमें हेड अपन देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैक ऐसा कैसा दिख रहा है। फिर इसके बाद में लार्वे की जो दूसरी इम्पोर्टेंट है वो है 4 brownish longitudinal स्ट्राइप्स ऑन द बैक। ये 4 longitudinally दिस वन इज द स्ट्राइप्स, देर आर 4 stripes आर प्रजेंट सच इंसेक्ट्स। और इसका जो एडल्ट है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसका दिस वन इज द एडल्ट, ये इसका एडल्ट है। लार्वा अपन ने देख ही लिए, और तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसके बाद में अब अपन इसकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर चलेंगे। द एग्स आर लेड, फीमेल लेड एग्स इन 50 to 100 इन रोज अंडर साइड ऑफ द लीव्स एंड ए फीमेल लेज जनरली 300 एग्स ड्यूरिंग हर लाइफ स्पान। द यंग लार्वा फर्स्ट फीड ऑन लीव्स मेकिंग ए फ्यू सूट होल्स एंड बोर देयर डाउन वार्ड्स एंड द लार्वा फुल फेड इन 14 to 28 days एंड देयर आर 6 larval इन स्टार। द लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 3 to 4 weeks एंड देयर आर 5 generations इन ए ईयर। द लास्ट इन स्टार द फुल ग्रोन कैटरपिलर ऑफ द लास्ट जनरेशन हाइबरनेट इन स्टबल, मीन्स जो नेक्स्ट जो हाइबरनेशन है वो लार्वल स्टेज के अंदर होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। हाइबरनेट इन स्टबल्स एंड रिमेन देयर टिल नेक्स्ट स्प्रिंग। अब इसके होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो इट फीड्स ऑन मेज, इसके अलावा आल्सो अटैक ऑन बाजरा, शुगर केन एंड शुडान ग्रास। डैमेज कैसे पहुंचाता है लार्वल स्टेज, इसकी डैमेज पहुंचाती है। डैमेज इज डन बाय कैटरपिलर्स बाय फीडिंग इनसाइड द स्टेम एंड प्रोड्यूसिंग डेड हार्ट। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को अपन है काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग है मैनेजमेंट भी। मैनेजमेंट एक तो अभी अपन ने देखा कि जो हाइबरनेशन है वो लार्वल स्टेज में होता है, तो अपन जो स्टबल्स है उसको अपन हटा देंगे। तो सबसे पहला है रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड हर्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेस्टेड प्लांट। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। फिर इसके बाद में इसमें जो एग पैरासिटोइड है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, तो अपन ट्राइकोग्रामा किलोनिस की रिलीजेस करते हैं एट द रेट ऑफ 1 lakh पर हेक्टर आफ्टर 10 to 15 days ऑफ
सोइंग। उसके बाद में यदि कंट्रोल नहीं होता है तो अपन स्प्रे कैरीड आउट करते हैं 2 to 3 weeks, और स्प्रे अपन कैरीड आउट कर सकते हैं फेनोलेट 20 EC एट द रेट ऑफ 100 ml पर हेक्टर, साइपरमेथ्रिन 10 EC एट द रेट ऑफ 100 ml पर हेक्टर, और डेल्टामेथ्रिन 2.8 EC एट द रेट ऑफ 200 ml पर हेक्टर। इसके अलावा और काफ़ी इंसेक्टिसाइड हैं, अपन रिपीट करेंगे। एक बार है ऑर्गेनोफॉस्फेट का कैरीड आउट करेंगे, और दूसरी बार है ये सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स है उसका स्प्रे अपन कैरीड आउट करेंगे। और क्योंकि एडल्ट है वो लाइट की ट्रैप लाइट की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, तो लाइट ट्रैप भी अपन है सेट करेंगे, और इंसेक्टिसाइड है अपन इसमें स्प्रे करेंगे, मैनेज करेंगे। तो इस तरह से ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पेस्ट है और अपन इसको मैनेज कर सकते हैं। इसका एक वीडियो पहले भी दिया हुआ है जो इससे भी डिटेल के अंदर है, और जो डायग्राम है वो इस वीडियो में।